मैरी क्रिसमस। आज एक खुशी का दिन है और क्रिसमस निकट है। आज हम 17वीं शताब्दी के डच के चित्रकार रेम्बार्ट की पेंटिंग के द्वारा यीशु द्वारा अपने परिवार को कहे गए शब्दों को देखेंगे। यूसुफ और मरियम की शादी से पहले उनकी मुलाकात एक स्वर्गदूत से हुई। उस स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि मरियम एक पुत्र जनेगी और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जरा सोचिए कि जब मरियम और यूसुफ ने यह सुना होगा तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। क्या उन्हें इस बात की चिंता नहीं होगी कि परमेश्वर के पुत्र को कैसे बड़ा किया जाए और आगे उनका क्या होगा। जब बालक उत्पन्न हुआ तब पूर्व से जोचियों ने आकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब उन जोचियों ने यह कभी ना सोचा होगा कि उस बालक के कारण वे बड़े कष्ट में रहेंगे, लेकिन स्वप्न में मिले परमेश्वर के वचन के अनुसार राजा हेरोदेस से मिलने का अपना वादा तोड़कर वे जोची वापस अपने देश को लौट जाते हैं और उसके बाद एक समस्या उत्पन्न होती है। जब राजा हेरोदेस को पता चला कि जोचियों ने उसके साथ ठट्टा किया है तो उसने बैतलहम के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मार डालने का आदेश दिया। इस समय यूसुफ को फिर से परमेश्वर का स्वर्गदूत दिखाई दिया। उसने उससे कहा कि उठ और उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस राजा इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। जरा सोचिए उस समय यूसुफ और मरियम क्या सोच रहे होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि राजा को इतने छोटे बच्चे को मारना पड़े? क्या हमें इतना दूर जाना जरूरी है? हम वहां किसी को नहीं जानते और हम उनसे संवाद भी नहीं कर सकते। क्या सच में परमेश्वर के पुत्र को इस तरह से भागना होगा? क्या किसी को आकर हमारी मदद नहीं करनी चाहिए? यीशु का परिवार रात में ही बैतलहम छोड़कर मिस्र को चला गया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। क्या आपको ये कठिन यात्रा नहीं लग रही? सड़कें भी पक्की नहीं थी, रातें अंधेरी थी और रहने की भी कोई सुविधा नहीं थी। लुटेरों और चोरों के जोखिम के साथ पहाड़ी रास्तों और उन जंगलों से गुजरना कितना कठिन रहा होगा। आज भी एक नवजात बच्चे के साथ विदेश की यात्रा करना आसान नहीं है। इस चित्र को फिर से देखिए। यूसुफ, मरियम और बच्चा यीशु नंगे पैर जा रहे थे। ऐसा लगता है कि रात का अंधेरा बताता है कि ये यात्रा उनके लिए आसान नहीं थी। एक ऐसी रात जब सड़क को रोशन करने के लिए कोई रोशनी नहीं थी। अच्छा होता अगर इस परिवार का मार्गदर्शन करने के लिए उन पूर्व के ज्योतिषियों की तरह इनको भी एक तारा दिखाई दिया गया होता। इस अंधेरी रात में यीशु का परिवार अवश्य ही अंधेरी सड़क पर चल रहा होगा। राजा हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को फिर से स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वे परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़े। इन सब बातों के बाद अब यीशु का परिवार ये समझ गया होगा कि परमेश्वर की इच्छा का पालन करना आसान नहीं है। हम आम तौर पर सोचते हैं कि जब यीशु ने क्रूस को उठाया तो उसके लिए ये बहुत कठिन रहा होगा, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु का जीवन उसके जन्म के समय से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। हालांकि हमें ये याद रखना होगा कि वो परिवार परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, और परमेश्वर भी उस परिवार की रक्षा करता है जो वचन के अनुसार चलता है।